आप अगर किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो हर सेक्टर में 35% राजपूत बैठे हैं, और मैं राजपूतों की वोट नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ मांग रहे हैं जो भगवान गणेश को मानते हैं, जो गणेश की पूजा करते हैं सुबह उठ के, उन सबका काम बनता है कि गणेश जी की अगर पूजा करते हो तो उस श्रद्धा के हिसाब से आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट करके राजेंद्र सोलंकी जी को जिताना पड़ेगा। हमारे सिसोदिया हैं, हमारे राघव हैं, हमारे चौहान हैं, उधर से वो लोग चुनाव लड़ के आएंगे, और इधर से हमारे भाटी, सोलंकी, गौड़, जितना भी ठाकुर बिरादरी है, जितना भी जाटव बिरादरी है, जितना भी मोमदन बिरादरी है, जितना भी गुजर बिरादरी है, जितना भी ब्राह्मण बिरादरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आज नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे 4 दिन बाद कि यहाँ जो आने वाला कैंडिडेट है उसका थूक सुखाने का काम करेगा ये संगठन, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन 14 और 19 में जो है आप हार गए, बहन जी का गृह जनपद होता है ये, गौतम नगर से आती है बहन मायावती, 2 सीट 2 बार हार रही है लगातार 19 में और 14 में। बहन जी ने पहले और आज में एक जो समीकरण बदला है, जो मैंने आपको बताया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी को मानने वाले जो लोग हैं वो हकीकत में अब के साथ में आए, पहले तो साथ में थे लेकिन कुछ कम थे, अब के जो तादाद है वो 4 गुनी नहीं 100 गुनी हो चुकी है। आप एक बात बताइए, हमारी ठाकुर समाज की 6.5 लाख वोट है, अगर एक एक डरी मारेंगे तो हम डुबाने का काम करेंगे। उसके बाद में हमारे गुर्जर समाज की 6 लाख वोट हैं, उसके बाद में हमारे मोमदनों की 4 लाख वोट हैं, उसके बाद में जाटवों की 4.5 लाख वोट हैं, और आप कितना फर्क मान रहे हैं, हम बताते हैं पूरे ठाकुरों की वोट। पिछले चुनाव में हमारे जो पिछले चुनाव में हुआ क्या था कि हमारे कैंडिडेट को 5 लाख वोट मिली थी और मान्यवर को 8.5 लाख मिली थी, लेकिन उस टाइम पे गणेश जी पे हाथी पे 2% वोट नहीं थी ठाकुरों की, मैं चैलेंज से बताता हूँ, और आज 90% वोट है, तो आप हिसाब लगाइए। उस चीज को जो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है, 5 लाख पिछली बार थी और 6 लाख एक्स्ट्रा हो गई है, 11 लाख वोट पड़ेंगी और 4 लाख से जीत के दिखाएंगे इस सीट को। उत्तर प्रदेश में योगी जी आपके खुद समाज से आते हैं, हमारी सरकार चल रही है, तीन मुख्यमंत्री पिछले महीने में बीजेपी ने चेंज करे, एक हमारे ठाकुर समाज से धनंजय जी को निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे, धनंजय भाई को क्यों जेल भेज दिया, उसके बाद में बेशक आप पार्टी में ही सही सिसोदिया और संजय को जेल में डाल दिया, और मैं आने वाले समय में राजपूतों को चेता देना चाहता हूं, अगर बीजेपी का यही ढांचा रहा तो तुमको खत्म कर देगी, ये उसका पहला काम है। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस समाज का दूसरी पार्टियों में हर एक तरीका से सम्मान नहीं हो रहा था उनको सम्मान देने का काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और दूसरा, बसपा पार्टी का जो निशान जिसको हम हाथी बोलते थे, उन्होंने आज एक तय कर दिया है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हमारे ठाकुर समाज को जो टिकट दिया है बहन जी ने, वो निश्चित कर दिया कि गणेश भगवान की पूजा करने के लिए 36 बिरादरी एक से एक आगे बढ़ के निकलेगी और मान्य राजेंद्र सिंह सोलंकी जी को वोट करेगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरी 36 बिरादरी आप जिधर भी कैमरा घुमाएंगे मान्यवर, आपको नज़र आएगा कि आपके पास में कितना हजूम हमारे पूरे 36 बिरादरी, चाहे वो गुजर समाज हो, मोमदन समाज हो, प्रजापति हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, ठाकुर हो, आपको सारा नज़र आ रहा है। वो आज हम जीतने का काम करेंगे इस सीट को, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन सफाया हो गया है बहन जी का तो गौतम नगर में, एक भी सीट नहीं आई 2022 में। वो पिछली बात को भूल जाओ, जेवर में जाके देखिए, सिकंदराबाद में जाके देखिए, खुर्जा में जाके देखिए, दादरी में देखिए, नोएडा में देखिए, और इसको छोड़ने के बाद में गाजियाबाद में देखिए, बुलंदशहर में देखिए, राजपूताने ने तलवार उठाई है, और जब राजपूताना तलवार उठाता है तो आपको पता है कि युद्ध फतेह हो के ही रहता है। तो सोलंकी जीतेंगे? सोलंकी जी जीतेंगे, तो कांग्रेस से आए हैं, लेकिन कांग्रेस भी हमारी है, सपा भी हमारी है, बीजेपी भी हमारी है, लेकिन हमको सम्मान नहीं मिला, वो हमारा नहीं है। हमको सम्मान मिलना चाहिए था, जहां हमें सम्मान मिलेगा वो पार्टी हमारी है। ठाकुर और गुर्जर दोनों भाई भाई हैं, भाटी भाटी भाई भाई,
और जब भाई भाई मिल जाएगा तो जब तक भाई अलग थे जब तक हमको हराने जिताने का काम हुआ है, लेकिन आज हम भाटी हो, कोई भी गुजर समाज से हो, नागर हो, उसके बाद में कसाना हो, मैं भी बहुत जाति में बैठता हूँ, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपसे कि आज भाई भाई गुजर ठाकुर इकट्ठा हो चुका है। अरे 400 पार जा रही है बीजेपी, 400 पार बोल रहे हैं वो। किसने बोल दिया? योगी मोदी जी कह रहे 370 बीजेपी के, कह रहे 400 पार। इस बार तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी जी। मेरे से तो 50 बार बन जाए, हम यहाँ की जो सीट है वो नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे भी। और अगर एक एक सीट हराएंगे, ये राजपूत समाज एक एक सीट हराएगा, तो मुझे ये बता दिया, आंकड़ा बताइए 400 पार, मैं आपको गिनवाता हूँ। यूपी में पूरी सीट बीजेपी के पास, 16 सीट बाहर है। दिल्ली में पूरी बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी, कांग्रेस, गुजरात में पूरी बीजेपी, बिहार में पूरी बीजेपी, महाराष्ट्र में पूरी बीजेपी, कर्नाटक में बीजेपी, हिमाचल में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, और जब इनमें से 5-5 भी कट गई तो 60 सीट होती हैं 12 राज्यों में, वो तो पूर्ण पे बैठे हैं। पूर्ण में क्या, अगर हमारे राज्य में 80 सीट है तो क्या 85 बनाओगे? राजपूत समाज से जो इन्होंने घृणा करी है, अगर राजपूत समाज ने 5-5 सीट कटवा दी तो 12 राज्यों में 12×5=60 सीट होती हैं। 302 में से 60 माइनस करो कितनी हो गई, कितनी होगी मान्यवर? 240 सीट हो गई। 400 पार का नारा छोड़ दीजिए, जो ये राजपूत, जो गुजर भाटी हो या नागर हो या राजपूत समाज हो, ये जो इससे खपा करा है, आप एक बार बताइए गुजरों की राजनीति किसने खत्म करी? किसने खत्म करी? भाजपा ने करी। ठाकरों की राजनीति कौन खत्म कर रहा है? भाजपा कर रही है। बताइए फिर सीट कैसे आएंगे? आपके यहाँ पे एयरपोर्ट बना रही है बीजेपी, तो एयरपोर्ट से वोट मिलेंगे उनको, एयरपोर्ट बहन जी से मिल रहा है बड़ा मोटा। ये बहन जी की देन थी, जिसमें आज हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बहन जी की देन है, और कोई भी चीज कोई भी चीज अगर होती है तो बहन जी की। यहाँ पे एक चीज मुझे बता दीजिए कि जिसको बनाया और जिसका उद्घाटन किया हो, मंदिर बना दिया उन्होंने अयोध्या में, मैं पूजा करता हूँ मंदिर की, लेकिन मेरे घर में भी है, मेरे गांव में भी है, उनसे मुझे किसी भी आदमी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हिंदू हूँ, हिंदू था और हिंदू रहूंगा। और किसानों की जो दुख दर्द है, 12 गाँव जो पंचायत कर रहे हैं, हम उनसे वायदा करते हैं अगर आप अपने आप को जिता के लाते हो तो जो आप कहेंगे वो होगा। गणेश जी को बहन जी ने 36 बिरादरी के अंदर हाथी को गणेश बनाने का काम किया है। तो बहन जी जो है मजबूत होंगी इस बार लग रहा है, मजबूत आप देखिएगा। बहन जी ने जो खेल खेला है, बहन जी तो खिलाड़ी है और उन्होंने जो खेला है कामयाब भी होंगी। लोग कह रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं गई है ना, एनडीए में गई है, अकेली कैसे जीतेंगी? गठबंधन होता क्या है? गठबंधन होता है ग्राउंड पे। अब गठबंधन बहन जी ने जो किया है, जाटव वोट बहन जी का था, ठाकुर को टिकट दे दिया, तो ये क्या गठबंधन नहीं है? 4 लाख ठाकुर, 6 लाख, 6 लाख ठाकुर, 4 लाख जाटव, इकट्ठे होकर 10 लाख का गठबंधन ये हो गया। उसके बाद में जितना भी हमारा गुजर भाई है, जो हमारा ही भाई है, वो कहते हैं मंचों से कि हमारा भाई है, अगर भाई है तो भाई को भाई का साथ देना ही है। गुजर आएंगे आपके साथ, हमारे साथ? आप एक बार माइक घुमाइए, आपको कम से कम ये जो 10,000 की भीड़ है, अगर 2,000 गुजर ना मिले तो मैं अभी ये स्वापी फेंक के चला जाऊंगा यहाँ से। बीजेपी में चले गए सारे गुजर तो? बीजेपी में कौन से मंच पे? मैंने अभी तक जितनी फोटो देखी है एक भी गुजर किसी मंच पे नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो, आपके जेवर से भी चले गए, जो सुरेंद्र सिंह नागर चले गए हैं, सतवीर गुजर चले गए हैं, वो हमारे सब सम्मानित हैं, वो सब सम्मानित हैं। और वो लोग आप देखना किस तरीका से अपने भाइयों के संग लग के इस सीट को जिताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज, सभी आ जाओ और सीट को जिताओ। अगर मंदिरों से देश का भला होता तो देश में विद्यालयों की और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, और ये पोल बीजेपी की खुल चुकी है कोरोना लॉकडाउन टाइम में, जहाँ बीजेपी जरूरत देश को हॉस्पिटल और कॉलेजों की थी ना, वहाँ फिर इन्होंने क्वारंटीन के लिए दूसरों की प्रॉपर्टी को हत्याया है। और इसका उदाहरण देश का जो संविधान है उसके उल्लंघन, मजबूत हाथों में देश, ऐसा कहते हैं वो। कौन कह रहा है? मोदी जी के मजबूत हाथ है। कौन कह रहा है? आप इन अभी मीडिया कह रही है। SBI का आपने वो देखा था इलेक्ट्रॉन जो घोषित हुआ था, उसमें पुलवामा हमले के बाद मजबूत पाकिस्तान से पैसा आया है, बेरोजगारी चल रही है, पाकिस्तान से पैसा आया है, उसका इन्होंने हिसाब दिया? बेचारे मासूम केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया। ये संविधान की जो सबसे बड़ी सत्ता है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं भैया? योगी जी गलत काम कर रहे हैं। सुनिए एक बात बताइए,
योगी जी दवा बीजेपी का चाहे कोई भी कार्यकर्ता है, तानाशाही से सरकार चला रहा है और तानाशाही काम कर रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, हिंदू मजबूत कब होगा? जब देश पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा। हिंदू मजबूत ना, हिंदू इनके गुलाम हो रहे हैं, बीजेपी के गुलाम हो रहे हैं हिंदू। ये प्लंटू सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी, कहीं ना जी कहीं पार्टी ना है ना, इन्होंने इन्होंने जो का नाम है पागल बना रखो सबको, हिंदू मुस्लिम में और धर्म में एक घुमा रखे ना, बेरोज जनता बेरोजगार है, किसी को रोजगार नहीं है।